बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यूज़ के हवाले से। और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के पास्ट पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के पेपर्स में आते रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है के लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स आई हुई हैं, सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स की सीट्स आई हुई हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स भी अक्सर आती रहती हैं। तो पीपीएससी के ज़रिए जो जॉब्स आती है उसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ भी शामिल होते हैं। तो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो हैं उनको हल करने के लिए या उनकी गाइडलाइंस के लिए आज की वीडियो बेसिकली ये बनाई जा रही है कि इसमें किस किस्म के कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो हैं पेपर में आते हैं। तो ये पास्ट कुछ एमसीक्यूज़ आज मैं शामिल करूँगा कंप्यूटर के, तो ताकि असेसमेंट हो सके कैंडिडेट को कि एमसीक्यूज़ कंप्यूटर के किस किस्म के आते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ़ इट इज़ नॉट देयर, कि अगर डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर आइकन मौजूद नहीं है तो कैसे आप उसको ला सकते हैं। ऑप्शन है वॉलपेपर सेटिंग है, फ्रॉम कंप्यूटर सेटिंग है, फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये चार ऑप्शंस दी गई हैं। तो इसमें माई कंप्यूटर आइकन जो है हम डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ जो हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन जो सी ऑप्शन है, ये इसमें राइट ऑप्शन है कि इस पे जाके आप माई कंप्यूटर की ऑप्शंस को, जो आइकन है इसको आप ला सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ़ कंप्यूटर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशंस। फादर ऑफ़ कंप्यूटर, ज़ाहिर है उस बंदे को कहेंगे जो जिसकी कंप्यूटर बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें जो ऑप्शन है लेडी एडा गस्टा है, बी ऑप्शन है सेमर क्रे और एलन ट्रंक और चार्ल्स बैबेज। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो चार्ल्स बैबेज है। तो चार्ल्स बैबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल और लॉजिकल इंजन बनाए थे और इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्री सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन, जो फ्रीली अवेलेबल हों जिस पर आपको कोई भी पेमेंट ना करनी पड़े। तो फ्रीवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर जो है उनको हम कॉपी प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या रेडीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर, इनको पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई ए कंप्यूटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन जो हैं ये तमाम ही हैं, ऑल ऑफ द अबव इसमें डी वाली राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें एमसीक्यू है, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर होगा तो उसको कहेंगे यूनी प्रोसेस, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड और मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन है मल्टी प्रोसेसर, ज़ाहिर है तो एक से ज़्यादा को मल्टी प्रोसेसर कहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस, कमांड लाइन इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मल्टी टास्किंग है, मेन्यू ड्राइवर इंटरफेस है। तो डॉस जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ये ऑप्शन राइट है। इसके बाद है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कंपैक्ट डिस्क, कौन सी टेक्नोलॉजी कंपैक्ट डिस्क में यूज़ होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेज़र। तो ज़ाहिर है जो है लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कंपैक्ट डिस्क में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन डीवीडी, डीवीडी की निस्बत कौन ज़्यादा डाटा स्टोर करता है, सीडी रोम, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है ब्लू रे डिस्क जो है ये जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, ब्लू रे डिस्क जो है ये ज़्यादा डाटा स्टोर करती है डीवीडी की निस्बत। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। तो इसमें राइट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ रियल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो रियल सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम में ट्रांसमीटर, स्प्रेडशीट, सिमुलेशन, मॉडुलेशन। तो सिमुलेशन जो है ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कंप्यूटर की फॉर्म में, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन इसमें है। नेक्स्ट है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट नंबर्स विद डेसिमल प्लेसेस, के साथ कौन से नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं करते, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। इंटीजर जो है ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है, इफ़ अ कंप्यूटर प्रोवाइड डाटा बेस सर्विसेज टू अदर्स देन इट विल बी नोन एज, अगर डाटा बेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर तो उसको क्या कहते हैं, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डाटा बेस सर्वर और एफ टी पी सर्वर। तो ये जो सी ऑप्शन है डाटा बेस सर्वर, ये इसमें राइट ऑप्शन।